हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आवर चैप्टर 7 पी ब्लॉक इज गोइंग ऑन। पी ब्लॉक में हम ग्रुप 15 स्टडी कर रहे थे। तो ग्रुप 15 के जो एलिमेंट थे स्टूडेंट्स, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किए थे। ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं और ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स थे उनकी जो फिजिकल स्टेट थी उसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसमें जो एलिमेंट्स थे वो कौन कौन से थे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एस्बेस्टोस यानी कि एंटीमनी और बिस्मथ। तो स्टूडेंट्स एक बार चेक कर लेते हैं सबको, ठीक है ना। ट्रिक क्या थी, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ये एलिमेंट थे ना। इसमें ये तो दो एलिमेंट नॉन मेटल है, ये दोनों मेटलॉइड है और ये क्या था, ये टिपिकल मेटल था, ठीक है ना। अब इनकी अकरेंस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे अकरेंस, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं अकरेंस। नाइट्रोजन फैमिली के लिए ग्रुप 15 को स्टडी कर रहे हैं, नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं इसको। और नाइट्रोजन फैमिली होती है ना, ये इस नाइट्रोजन फैमिली के अंदर जितने भी मेंबर प्रेजेंट होते हैं ये एज ए सफोकेटेड एलिमेंट होते हैं। तो सफोकेटेड एलिमेंट होने के कारण इन सभी को निकोजेंस के नाम से भी जाना जाता है। नाइट्रोजन फैमिली को किस नाम से भी जाना जाता है, निकोजेंस। जैसे ऑक्सीजन फैमिली को चैलकोजन के नेम से जाना जाता है और हेलोजन फैमिली को उसको क्लोरीन फ्लोरीन फैमिली को ग्रुप 17 को हेलोजन फैमिली के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ठीक उसी प्रकार से नाइट्रोजन फैमिली को निकोजेंस के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये सफोकेटेड सब्सटेंसेस होते हैं, बना फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन फैमिली में हम इनकी अकरेंस को डिस्कस करते हैं, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, निकोजेंस किसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो अकरेंस में बात करते हैं, अकरेंस में स्टूडेंट नाइट्रोजन प्रेजेंट 78% इन एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ डाइनाइट्रोजन गैस। ये डाइनाइट्रोजन गैस की फॉर्म में एटमॉस्फेयर के अंदर 78% प्रेजेंट है, कौन, नाइट्रोजन गैस, ठीक है ना। अब देखो नाइट्रोजन जो होती है स्टूडेंट्स, ये अर्थ क्रस्ट में, नाइट्रोजन जो होती है ये अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में होती है, देखो इन अर्थ क्रस्ट में नाइट्रोजन अकर्स एज NaNO3 फॉर्म। और NaNO3 को क्या बोलते हैं हम, चिली साल्ट पीटर। NaNO3 सोडियम नाइट्रेट को क्या बोलेंगे, चिली साल्ट पीटर, ब्रैकेट में लिख दो चिली साल्ट पीटर। ठीक है ना भाई, एटमॉस्फेयर के अंदर तो 78% है डाइनाइट्रोजन गैस की फॉर्म में और अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होता है किसमें, चिली साल्ट पीटर की फॉर्म में नाइट्रोजन, ठीक है ना। नेक्स्ट चेक करते हैं, अब देखो नाइट्रोजन जो होता है स्टूडेंट्स
ये प्लांट्स और एनिमल के अंदर भी प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है, किस फॉर्म में? प्रोटीन की फॉर्म में। प्रोटीन प्रेजेंट होती है ना आपकी बॉडी के अंदर, और प्लांट्स में भी होती है, तो वहाँ पर भी प्रोटीन किससे मेड होती है? नाइट्रोजन से। तो हम नोट कर सकते हैं यहाँ पर, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, फॉर्म ऑफ प्रोटीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर नाइट्रोजन प्रोटीन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन के अलावा देखो अगला मेंबर है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो होता है वो किस तरह से प्रेजेंट होता है? फॉस्फोरस अकर्स इन मिनरल्स, अकर्स इन मिनरल्स ऑफ एपेटाइट। फॉस्फोरस का जो मिनरल अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं आप क्या? एपेटाइट। क्या बोलेंगे? एपेटाइट। और दूसरी फॉर्म और होती है इसकी, फ्लोर एपेटाइट। एपेटाइट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? Ca9PO4 का होल 6, ये एपेटाइट का फॉर्मूला है, ठीक है ना। एंड फ्लोर, फ्लोरोएपेटाइट और इसका जो फॉर्मूला होता है फ्लोरोएपेटाइट का वो होता है स्टूडेंट्स Ca9PO4 का होल 6, CaF3, ये फ्लोरोएपेटाइट है, ठीक है ना। और ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों के दोनों अर्थ क्रस्ट में जो रॉक बनाते हैं किसकी? फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस की जो रॉक्स अर्थ क्रस्ट में पाई जाती हैं वो किस फॉर्म पाई जाती हैं? एपेटाइट और फ्लोरोएपेटाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पीछे लिख सकता हूँ मैं, विच आर मेन कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट ऑफ फॉस्फोरस रॉक्स। फॉस्फोरस रॉक्स के मेन कंपोनेंट है। तो देखो आप, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर 78% होती है, इसको हम पहले से जानते हैं, ठीक है ना, डाइनाइट्रोजन गैस की फॉर्म में। और अर्थ क्रस्ट के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है वो NaNO3 की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं हम चिली साल्ट बीटर, और इसका केमिकल नेम होता है क्या? सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट को क्या बोल सकते हो आप? चिली साल्ट पीटर। और नाइट्रोजन जो होती है स्टूडेंट्स वो प्रोटीन की फॉर्म में एनिमल और प्लांट के अंदर भी प्रेजेंट होती है। फॉस्फोरस जो होता है वो पाया जाता है मिनरल्स, फॉस्फोरस का जो मिनरल्स पाया जाता है वो कौन, उसका नाम क्या है? एपेटाइट। और एपेटाइट का फॉर्मूला Ca9PO4 का होल 6। और दूसरा इसका जो मिनरल है वो क्या है? फ्लोरोएपेटाइट। और फ्लोरोएपेटाइट का फॉर्मूला होता है Ca9PO4 का होल 6 CaF2। और ये दोनों के दोनों मेन कंपोनेंट होते हैं किसके? फॉस्फोरस रॉक्स के, जो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। तो एक बार आप इनको नोट करो दोनों के बारे में। हाँ जी, अब देखो फॉस्फोरस
के टू मिनरल्स आपको मैंने यहाँ पर बताए कौन कौन से, एपेटाइट और फ्लोर एपेटाइट। और फॉस्फोरस जो होता है स्टूडेंट्स वो आपकी बोन्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है, लिविंग सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। और फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है मिल्क के अंदर और एग के अंदर, ठीक है ना। तो ये फॉस्फोरस की प्रेजेंस है, तो मैं इसको भी नोट कर रहा हूँ यहाँ पे, फॉस्फोरस प्रेजेंट इन बोन्स ऑफ एनिमल्स, फॉस्फोरस प्रेजेंट इन बोन्स ऑफ एनिमल, एनिमल की बोन्स के अंदर भी फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। भाई बोन्स हमारी जो होती है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस की से मिलकर बनी होती है, एज वेल एज लिविंग सेल्स, ठीक है ना। फॉस्फोरस प्रेजेंट इन मिल्क, फॉस्फोरस प्रेजेंट इन मिल्क एंड एग, मिल्क और एग के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, फॉस्फोरस के बारे में। नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास इस फैमिली में आर्सेनिक, एंटीमनी, आर्सेनिक और एंटीमनी दोनों के दोनों क्या है, ये मेटालॉइड हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी, ठीक है ना। और तीसरा क्या बचा था, बिस्मत एंड बिस्मत आर मेनली, आर मेनली फाउंड, नहीं आर फाउंड मेनली लिखेंगे, आर फाउंड मेनली एज, आर फाउंड मेनली एज सल्फाइड मिनरल्स, देखो नेचर के अंदर नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं उनकी अकरेंस क्या है वो आपके सामने मैंने यहाँ पर नोट की है। नाइट्रोजन के बारे में बताया, नाइट्रोजन 78% एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना, कुछ अमाउंट में अर्थ क्रस्ट में चिली साल्ट वाटर की फॉर्म में। और ये नाइट्रोजन जो होती है आपकी बॉडी के अंदर यानी कि एनिमल और प्लांट्स के अंदर भी प्रेजेंट होती है प्रोटीन की फॉर्म में, है ना। फॉस्फोरस जो होता है वो मिनरल्स की फॉर्म में पाया जाता है, मिनरल्स हैं इसके क्या, एपेटाइट और फ्लोर एपेटाइट, क्लियर। फॉस्फोरस आपकी बोन्स के अंदर भी पाया जाता है, लिविंग सेल के अंदर भी होता है। फॉस्फोरस मिल्क और एग के अंदर भी प्रेजेंट होता है। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये सब तीनों के तीनों जो एलिमेंट हैं ये प्रेजेंट होते हैं सल्फाइड मिनरल्स की फॉर्म में। तो ये तो इस फैमिली की क्या हो गई, अकरेंस हो गई, ठीक है ना। अब देखते हैं अकरेंस के बारे में नेक्स्ट इस फैमिली का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखो दी वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट एच NH2NP3, यही तो था बैलेंस सेल का, ग्रुप 15 का NH2NP3, ठीक है ना। क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, आउटर मोस्ट सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 5, और 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं
तो इनका एस सबसेल तो कम्प्लीटली फिल होता है और पी सबसेल जो होता है वो हाफ फिल्ड होता है। तो ये जो 15 ग्रुप के मेंबर हैं ये पूरे पी ब्लॉक में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। क्यों इम्पोर्टेंस रखते हैं, यहाँ पर आप थोड़ा सा चेक कीजिए, इनका कॉन्फ़िगरेशन है NP3 और पी सबसेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यहाँ पर हैं 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये फुली फिल्ड फुल फिल्ड सेल है और ये हाफ फिल्ड सेल है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है ना। तो फुल फिल्ड सेल बिल्कुल 100% स्टेबल होती है, लेकिन हाफ फिल्ड सेल भी स्टेबल होती है। तो हाफ फिल्ड पी सब सेल के कारण नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं वो स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करते हैं। इसलिए ये जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं हमको पी ब्लॉक में। तो बड़े ध्यान से पढ़ना है हमको ग्रुप 15 के मेंबर्स को, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है कि ग्रुप 15 में जो पी सब सेल होती है स्टूडेंट्स वो हाफ फील्ड होती है, और हाफ फील्ड होने के कारण ये क्या करते हैं, जो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे वो सब कंपाउंड फॉर्म कैसे होंगे, स्टेबल बजाय और ग्रुप्स के, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट चेक करते हैं हम, देखो कोवेलेंट और आयनिक रेडियस जो होती है इस ग्रुप की, भाई इस ग्रुप की 15 ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, कोवेलेंट एंड आयोनिक रेडियाई ऑफ 15 ग्रुप, ऑफ ग्रुप 15 लिखो, ग्रुप 15 कोवेलेंट और आयनिक रेडियाई जो होती है ग्रुप 15 की ये इंक्रीज होती है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ग्रुप में नीचे जाने पर इनकी कोवेलेंट और आयनिक रेडियाई यानी कि कोवेलेंट रेडियस और आयनिक रेडियस दोनों इंक्रीज होती हैं जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट में नोट करूंगा, आप एक बार इसको नोट करो, हाँ जी। तो देखो कोवेलेंट और आयनिक रेडियस जो होती है ग्रुप 15 के एलिमेंट की ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, लेकिन डाउन द ग्रुप जब जाते हो तो आर्सेनिक से लेकर बिस्मत तक, कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, आर्सेनिक की, आर्सेनिक से लेकर बिस्मत तक ये जो कोवेलेंट रेडियस होती है इसके अंदर स्मॉल इंक्रीजमेंट होता है। क्या होता है, स्मॉल इंक्रीजमेंट होता है, और उसका रीजन होता है कि इनके ये जो एलिमेंट होते हैं ये हैवियर एलिमेंट होते हैं और इन हैवियर एलिमेंट्स के अंदर डी और एफ ऑर्बिट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे कि आर्सेनिक से लेकर बिस्मत तक बहुत कम कोवेलेंट रेडियस में इंक्रीजमेंट होता है, और उसका रीजन क्या होता है कि एलिमेंट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हैवियर एलिमेंट होते हैं, और दूसरी बात क्या होती है, इनके अंदर कंप्लीट फील्ड डी और एफ ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर हमारे लिए क्वेश्चन हो सकता है कि गिव द रीजन व्हाई कोवेलेंट रेडियस बाई द स्मॉल इंक्रीजमेंट ऑफ कोवेलेंट रेडियस फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मत, ठीक है ना। तो आर्सेनिक से बिस्मत तक जो कोवेलेंट रेडियस होती है उसमें स्मॉल इंक्रीजमेंट क्यों होता है, इसका रीजन हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मत ए स्मॉल इंक्रीजमेंट, ए स्मॉल इंक्रीजमेंट इन कोवेलेंट रेडियस इन कोवेलेंट रेडियस
और कारण क्या लिखोगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कंप्लीट फील्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल्स इन हैवियर एलिमेंट। ये हैवियर एलिमेंट आ जाते हैं ना, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इनका क्या एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सब क्या इंक्रीज होता चला जाता है, ठीक है ना। तो ये इसका रीजन आ गया स्टूडेंट्स, आप इसको ठीक से ध्यान रखेंगे। अब देखो इसके बाद चेक करता हूँ मैं इस ग्रुप की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो किस तरह की होती है और आयनाइजेशन एंथैल्पी किस प्रकार से चेंज हो सकती है। तो यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ आयनाइजेशन एंथैल्पी, 15 ग्रुप के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी किस प्रकार से हो सकती है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस ग्रुप में अगर हम डिस्कस करें आयनाइजेशन एंथैल्पी को, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी को आप लोग जानते होंगे क्या होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। भाई जो आउटर मोस्ट सेल होता है, आउटर मोस्ट सेल कोई भी एलिमेंट है और उस एलिमेंट का ये आउटर मोस्ट सेल है और इस आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी जो होती है, रिक्वायर्ड एनर्जी जो होती है वही क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है, ठीक है ना। ध्यान आ गया होगा, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एटम है, उसके आउटर मोस्ट सेल से वन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वही उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। अब आप इसमें इस तरह से डाउन द ग्रुप जाते हो, ठीक है ना, इसमें कहाँ जाते हो आप, डाउन द ग्रुप जाते हो। तो डाउन द ग्रुप जाते हो तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एटॉमिक साइज का क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है ना भाई। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी क्योंकि ये सेकंड है, पीरियड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, यहाँ पर इसके अंदर दो ही सेल हैं और यहाँ पर इसके अंदर सिक्स सेल हैं, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो गई। और एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज हुई है तो स्टूडेंट्स जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है उसकी डिस्टेंस न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा हो गई ना, और न्यूक्लियस से डिस्टेंस होने के कारण जो न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उस इलेक्ट्रॉन पर जो फेल्ट किया जाएगा वो बहुत लेस अमाउंट में होगा। तो जैसे नीचे आप जाओगे तो ये जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से दूर होता चला जाएगा भाई, ये तो सेकेंड ग्रुप हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ग्रुप हो गया, ठीक है ना। तो साइज कितनी इंक्रीज होती जा रही है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा इलेक्ट्रॉन इजी वे में निकलेगा भाई, न्यूक्लियस के तो जस्ट पास में ही, नाइट्रोजन की बात करूँ तो मैं, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है और एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो रही है, बताओ क्या हो रही है, आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि रिक्वायर्ड एनर्जी कैसी है, कम है तो डिक्रीज हो रही है। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है क्योंकि आपको पता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, ये हम जानते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक रेडियस के। तो जैसे ही जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी और उसका रीजन क्या है, एटॉमिक साइज का इंक्रीजमेंट, ठीक है ना। तो देखो नोट करते हैं इसको, आयनाइजेशन एंथैल्पी
आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट, दिस ग्रुप लिख सकते हो या फिर ग्रुप 15 एलिमेंट लिख दो, ग्रुप 15 एलिमेंट डिक्रीज एज डाउन द ग्रुप, ग्रुप में नीचे जाओगे तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ड्यू टू रीजन लिख दो, इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग इन एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज में इंक्रीजमेंट होने के कारण इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। अब देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूँ, यहाँ पर कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं ग्रुप 14 और ग्रुप 15 के एलिमेंट के साथ, ठीक है ना। तो देखो ग्रुप 14 के एलिमेंट जो होते हैं स्टूडेंट्स, उनसे ग्रुप 15 की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ग्रेटर होती है, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेटर देन ग्रुप 14 इनके कंपैरिजन में, ठीक है ना, ठीक है ना। कंपैरिजन कर रहा हूं मैं किसका, ग्रुप 14 और ग्रुप 15 का। तो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेटर होती है देन ग्रुप 14 एलिमेंट्स से, और उसका रीजन क्या होता है, इसका क्वेश्चन भी पुटअप होता है यहाँ पर, ठीक है ना। और उसका रीजन क्या होता है स्टूडेंट्स, कि ग्रुप 14 के जो एलिमेंट हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बैलेंस सेल का क्या होगा, NH2NP2, ये तो आएगा, और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, NH2NP3। समझ गए मेरी बात को। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ये पी सब सेल है, इस पी सब सेल से और इस पी सब सेल को, इन दोनों सब सेल को ध्यान से चेक करो, इन दोनों में ग्रुप 15 का जो ये पी सब सेल है ये हाफ फील्ड है, कैसा है, हाफ फील्ड। अगर ये हाफ फील्ड है तो स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी या इसकी ज़्यादा होगी, बताओ भाई, स्टेबिलिटी हाफ फील्ड की या फुली फील्ड की सेल की तो होती है ज़्यादा, तो इसकी स्टेबिलिटी मोर होती है, किससे, एज कंपेयर टू ग्रुप 14 एलिमेंट्स, ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंसी सेल, वैलेंसी सेल का हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है और इनकी स्टेबिलिटी कम है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन EGB में निकल जाएगा और यहाँ से ये स्टेबिलिटी ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन EGB में नहीं निकलेगा, यहाँ पर आपको मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एज कंपेयर टू दीज एलिमेंट्स, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है, देखो जब आप एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट जाते हो तो स्टूडेंट्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इंक्रीज होता है भाई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है कि नहीं होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं जब इंक्रीज होता है, क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि साइज डिक्रीज होती है भाई, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होती है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज हुआ है तो यानी कि जो न्यूक्लियस का जो चार्ज आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा है वो ज़्यादा है, किसके, ग्रुप 14 के बजाय, यहाँ पर मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है एज कंपेयर टू ग्रुप 14। तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को मजबूती से बांध के रखा हुआ है, अब आप इस इलेक्ट्रॉन को EGB में क्या छुड़ा सकते हो इस न्यूक्लियस से, नहीं,
तो इसके लिए आपको मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो ये दो रीजन है स्टूडेंट्स, इन दोनों रीजनों के कारण जो ग्रुप 15 के मेंबर्स जो होते हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेटर होती है देन ग्रुप 14 एलिमेंट्स के। ठीक है, तो चलो मैं इसको थोड़ा सा नोट कर देता हूँ जिससे आपके ध्यान में बना रहे। देखो, दी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट। ठीक है भाई, ग्रुप 15 के एलिमेंट की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ग्रुप 14 से ज़्यादा होती है। रीजन क्या लिखोगे बताओ? ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन। और दूसरा रीजन क्या है बताओ? एंड स्मॉलर साइज। ठीक है, रीजन क्लियर हो गया सबके? तो यहाँ से ये एक क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप हो सकता है ना, अगर वन बार का क्वेश्चन पूछना चाहे तो यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान में रखना है। हाँ जी, अब हम यहाँ पर चेक करते हैं स्टूडेंट्स ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है मैं इनको एक ब्रीफ में नोट कर देता हूँ आपको, आप फटाफट से इनको नोट कीजिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज नोट करता हूँ। देखो, नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? देखो, इस फैमिली के जो मोस्टली एलिमेंट्स हैं वो सबके सब कैसे हैं? पॉली एटोमिक हैं। ठीक है ना, तो लिख देंगे ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर पॉली एटोमिक। ठीक है ना, मैं बोल रहा हूँ, अगर दिख भी नहीं रहा है तो आप लोग सुन ले करो, पॉली एटोमिक। अब देखो, अगर आप ग्रुप में डाउन जाते हो, ग्रुप में नीचे जाते हो, तो लास्ट में कौन आता है? बिस्मथ। और बिस्मथ क्या है? एक टिपिकल मेटल है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। भाई डाउन द ग्रुप आते हो तभी तो मेटल्स आती हैं। ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस एलिमेंट इन एलिमेंट्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस टॉप टू, ऊपर से नीचे जाने पर टॉप टू बॉटम बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम। ठीक है ना, और देखो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है,
वो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज अप टू आर्सेनिक, आर्सेनिक तक तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये इंक्रीज होता है, ठीक है ना। देन डिक्रीज अप टू बिस्मथ, और इसके बाद देन डिक्रीज अप टू बिस्मथ, और बिस्मथ तक ये आर्सेनिक के बाद, आर्सेनिक के बाद एंटीमनी और बिस्मत आते हैं ना, वहां पर ये क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है ना। अब देखिए इस ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट है फाइव, उन फाइव एलिमेंट में ओनली नाइट्रोजन एक ऐसा मेंबर है जो गैसियस स्टेट में पाया जाता है, बाकी सारे मेंबर सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो एक लाइन में यहां पर ये भी नोट कर देता हूं, ओनली ओनली नाइट्रोजन प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन दी फॉर्म ऑफ डाइनाइट्रोजन गैस एंड एंड मत लिखो, वाइल लिखो, वाइल वाइल अदर एलिमेंट आर सॉलिड। नाइट्रोजन अकेली गैसियस फॉर्म में डाइनाइट्रोजन गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और बाकी के सारे जो एलिमेंट है वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ आज आपको यहाँ पर मैंने बताया नाइट्रोजन फैमिली के बारे में, उनकी अकरेंस आपने चेक किए, फिजिकल स्टेट आपने चेक किए हैं, और उनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी, जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी को आपने चेक किया है, ठीक है ना। इसके बाद स्टूडेंट्स इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं 15 ग्रुप की, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो थोड़ा थोड़ा करके आप सभी वीडियोज़ को ध्यान से देखो, और जब ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स तो ये ग्रुप्स आपको इसी जगह पर लर्न हो जाते हैं। अगर आप इनको कलेक्ट करके रखोगे ना तो आपको लास्ट में दिक्कत आएगी, क्योंकि चैप्टर बड़ा है, तो आप हैंड टू हैंड इनको लर्न करते चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।